वो सब गाइस कैसे आप सब लोग, आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तुम्हारा भाई सुबह सुबह तैयार होके, अभी सुबह सुबह तो नहीं है, अभी 11:45 हो रहे हैं और 12 बजे मुझको बाईपास बॉर्डर पे पहुंचना था और 15 मिनट बचे हैं पहुंचने के लिए। तो भाई आज का जो व्लॉग है वो आप समझ गए होंगे हमारा थंबनेल देख के हम कहाँ जा रहे हैं। तो जा कसोल रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारा बीच बीच स्टॉप्स है। तो जो पहला स्टॉप जो है हमारा वो है करनाल, तो हम पहले करनाल जाएंगे और सबसे पहले तो बाईपास जाना है। बाईपास रोड से सीधा करनाल का रास्ता पड़ता है, तो वहां पे हमारे मित्र मिलेंगे हमें, तेजपाल सिंह, जिनका अपना चैनल है जिसका लिंक मैं भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए उनसे मिलने चलते हैं। उससे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने अभी क्या क्या रेडी करा है, मतलब सामान समून सब कुछ रेडी वेडी करके टिच करके नीचे आ गए हूँ। तो चलो दिखाता हूँ पहले मैं आपको। तो गाइज एक ये हमारा बैग जिसमें हमारे कैमराज वगैरह होते हैं, ये हमारा व्लॉगिंग बैग है, ये हमारा हेलमेट जी जिसका हमने वाइजर नया लगवाया है 180 रुपये का, एंड साथ में हमारा छोटू सा कैमरा, एंड ये हमने हमारे कपड़ों का बैग जिसमें हमारे सारा का सारा सामान रखा हुआ है, ये हमारा यूट्यूब पीयूष ढोर, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और साथ हमारे इंस्टाग्राम की आईडी, ये हमारी इंस्टा आईडी जहाँ पे हम रेगुलरली अपडेट्स देते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो हमारी बाइक भी बिल्कुल रेडी हो रखी है, आपको पता ही है लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था कि मैंने क्या क्या लगवाया था। बाकी मैंने कल रात को ना थोड़ा सा ना इसका और इसका एंगल ठीक करा था, जो कि थोड़ा नीचे की तरफ था तो ज्यादा दूर तक लाइट नहीं जाती थी, तो उसका एंगल ठीक करा है, बाकी तो अब रात को पता चलेगा। गाइस जल्दी से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं सीधा करनाल की तरफ। तो गाइस फाइनली हमारे तेजू भाई हमें मिल चुके हैं, ये हमें सिंधु बॉर्डर में मिले थे, अब यहाँ से करनाल तक जाना है। बाकी एक साथ में कौन जा रहा है? एक भाई है वो पीछे पीछे आ रहा है। वो एक भाई है वो पीछे पीछे भी आ रहे हैं। भाई तुम्हारे भाई की स्प्लेंडर है, इसलिए उन्होंने कहा कि पहले मैं निकलता हूँ, भैया पीछे पीछे आ जाएंगे। तो चलिए ज्यादा वेट नहीं करते, अब यहाँ से निकलते हैं सीधा करनाल के लिए। रस्ते में शायद देखते अगर भूख लगी तो रुकेंगे, भाई खाना है। अच्छा तो भाई रस्ते में अगर भूख लगी तो रुकेंगे, वरना भाई के घर पे जा रहे हैं वहाँ पे खाएंगे कुछ बढ़िया था। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं सीधा करनाल की तरफ, ठीक है तेजपाल भाई? भाई कहते एक घंटा लेट करवाया तूने, एक घंटा मैंने एक घंटा लेट कराया इनको, भाई भाई की बातचीत है, देख रहे हो लोग रहने का फायदे। चलिए अब सीधा करनाल मिलते हैं। सो गाइस फाइनली हम आज की जो फर्स्ट डेस्टिनेशन थी उस पर पहुंच चुके हैं, यानी कि हमारे करनाल पे जहाँ पे हम रुकने वाले थे, जो कि है तेजपाल की बुआ जी का घर। तो अभी जस्ट आए हैं, अभी कपड़े चेंज करेंगे पहले तो, क्योंकि जैकेट वैकेट पहन रखी है, बहुत थक गए हैं, दो दो बैग थे बारी बारी, बाकी तो भैया अभी बाहर बैठे हुए हैं, तेजू भाई अंदर है और अभी बुआ जी हमारे लिए पिज्ज़ा बना रही है। तो एक काम करते हैं जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं और 2-3 स्लाइस खाते हैं बढ़िया सा पेट भर के, और फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइस हमारे सामने बैम्बिनो, जिसको हम सेवैया कह रहे थे, सेवैया शायद हाँ, और ये हमारे तेजपाल भाई अपने 9 बजे क्लास के लिए काम करते हुए, कुछ ज्यादा पढ़ाई हो रही है इसके। तो भाई इनको पढ़ने दो, हम तो भाई खाते हैं, उसके बाद वीडियो एडिटिंग करके अब आज ही अपलोड करते हैं, कैसे ना कैसे, अगर आज भी तो ठीक है वरना फिर कल करेंगे, लेकिन जरूर करेंगे। तो चलिए खाते हैं और उसके बाद बात करते हैं। सो गाइस खाना वाना खा लिया और यहाँ पर हम अपनी एडिटिंग कर रहे हैं, और ये हमारे तेजपाल भैया अपनी क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन क्लास। तो अभी टाइम हो रहा है 10:20 और कल हमें उठना है सुबह 4:30 के करीब, तो हम जल्दी उठेंगे उससे, क्योंकि हाफ एन आवर तो हमें कम से कम रेडी होने में लगेगा। बाकी पैकिंग वैकिंग सब कुछ कर चुके हैं हम, जो आज का व्लॉग है उसको हम कल कैरी ऑन करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए, तो मिलते हैं सीधा कल। तो चलिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, तो भाई अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और अब हमें निकलने के लिए बस आधा घंटा बचा है, तो
तो आधे घंटे में वो तैयार होना है, तो जल्दी से तैयार होते हैं और निकलते हैं हमने कसोल की राइड के लिए। तो गाइस रेडियो के फुल पैक हो चुके हैं और यहाँ पे हमारा सामान रेडी रखा हुआ है, बस अब सामान उठा रहे हैं, नीचे जाके बांधना है इसको, उसके बाद निकलते हैं। और पहले सामान दिखाता हूँ आपको, और ये हमारे बैग, कैमरा, एक्शन कैमरा रेडी कर रखा है। लास्ट टाइम मैंने माइक की थोड़ी सेटिंग छेड़ दी थी, उसको ठीक कर दिया, वॉइस भी आएगी तो आपको सुनने को भी मिलेगा। और एक ये हमारा लवारिस बैग जो साइड में पड़ा हुआ है, इसमें सारे कपड़े वगैरह रखे हैं। और यहाँ पे हमारा व्लॉगिंग का कैम सेट जैसे पहले रखा हुआ था, बाकी इसको भी काफ़ी कम कर दिया, खाली कराया मैंने, इसका काफ़ी सारा सामान मैंने उसमें ट्रांसफर कर दिया जो मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए अब इसको लेके चलते हैं नीचे एंड बांधते हैं जल्दी से। चलिए गाइस जल्दी से चलते हैं और नीचे हमारा पहला बैग बांधते हैं। और ये सवेरे 5 बजे का मौसम, अंदर तो गर्मी लग रही थी लेकिन बाहर आते ही भाई ठंड लगने लग गई। सो गाइस हमारी राइडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो भाई अभी हम जा रहे हैं सेक्टर 13, पहले ब्रेकफास्ट पॉइंट है हमारा उधर। एक सेकंड हेडलाइट ला रहे थे यार, हाँ ओए हाँ ठीक है। तो हम पहले जा रहे हैं सेक्टर 13 करनाल, वहाँ पे जसप्रीत भैया है हमारे, तो वो वहाँ से पिक करेंगे उनको, और वहीं पे हमारा ब्रेकफास्ट पॉइंट है, तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन अपनी राइड को कंटिन्यू करेंगे। सेक्टर 13 जसप्रीत भैया जी के घर पे आ चुके हैं, अब यहाँ पे एक बार बाइक लगाते हैं। ये लगा देते हैं, दूसरे राइडर भी आ गए हैं भाई। रूबल कितने? अरे तो ये रूबल अनसेफ है भाई, की ठंड नहीं लगेगी तेन? फिर भैया जी सामने, क्या हाल चाल भैया? बढ़िया भैया। सो गाइस ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और भाई साहब मजा आ गया, मतलब भाई राजमा प्लस में पनीर, ओए होए होए, सुबह पराठे के साथ एक एक ग्लास दूध, भाई साहब मज़ा आ गया। तो भाई अब नॉन स्टॉप तो नहीं चलेंगे, मतलब रुक रुक के चलेंगे, लेकिन चलेंगे अब कहीं नहीं रुकना, सीधा पहले स्टॉप पे रुकेंगे, देखते हैं अम्बाला। मैंने सोचा तो है कि अम्बाला जाके रुकेंगे, यहाँ से 1 आवर 5 मिनट्स का रास्ता है, जो कि मैंने चेक करा है, मैंने गूगल पे सब कुछ सेव करके रखा हुआ है। और ये तेजपाल जी निकलते हुए, और ये हम हाईवे पे आ चुके हैं हमारे, और अभी ग्लव्स पहने हैं मैंने रुक के। तो ये लीजिए करण भैया भी गए साइड से, तो भी है। अच्छा ठीक ठीक थैंक यू। सो गाइस अभी हम हैं मंडी में, राजनगर ऐसा कुछ नाम है यहाँ का, लेकिन जो मेन है वो मंडी पड़ता है यहाँ पे। और बोलते हुए फोक जम गई, अभी फ़िलहाल मैं सबसे आगे चल रहा हूँ क्योंकि पीछे बस बाकी सब ने रेस्ट ले लिया था थोड़ा सा, बट मैंने नहीं लिया, अपने को थोड़ा कंफर्ट फील कर रहा था, तो मैंने कहा चल चलते हैं, बाकी अंधेरा भी हो रहा है आपको बताया ही था मैंने, तो एक काम करता हूँ लाइट लाया था यार। अब गाइस जाम लग चुका है यहाँ पे, और रीज़न बताते हैं अभी पहले तेजू भैया को। एक्चुअली आगे कोई ट्रक अटक गया है जिसकी वजह से जाम लगा हुआ है, एक ही लेन खुली हुई है, दूसरी लेन जाम हो रखी है, तो उसका जाम निकाल रही है, हमें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। हम वैसे लेट हो चुके हैं, हमको सुसु भी बोते जाया है, यहाँ कर भी नहीं सकता ना, हम वहाँ पे रुके थे करने के लिए। कहाँ पे? पीछे। अब यार हॉर्न मारे तेरे को, हमने ड्रोन शॉट भी लेना था उनको। तो बता दो मुझे यार, चल चल चल, मेरे भाई का टक्की हुआ है। तो गाइस रास्ता क्लियर हो चुका है, चलिए चलते हैं अब। यहाँ पर हम हैं तिराकरी फूड हट्स पे, तो अभी यहाँ पर डिनर करेंगे। यहाँ से 50 किलोमीटर रह गया खाली, लेकिन भाई बात ऐसी थी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है लेकिन अंधेरा है तो दिख नहीं पाएगा, ये पूरी रिवर है यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे एक बार लेट गया ना बंदा तो उठने का मन नहीं करेगा उसका। यहाँ
तो भैया कैसा फील कर रहे हैं अभी आप लेट के? जैसे जी आप क्या फील कर रही है बताइए। मजा आ गया। उठने का मन कर रहा है अब? नहीं। डिनर कर चुके हैं और अब इसी के सामने हमारा होटल है, होटल सरला रेजेंसी। तो बाइक वगैरह लगा दी हमने यहीं पर और बैग ऊपर पहुंचा दिए, मतलब अपने जहाँ पर फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर पे रूम मिला है हमें। तीन रूम लिया हमने, 9 बंदे हैं, एक रूम में 3 बंदे हैं, एक बेड एडजस्ट करा लिया। और तेजपाल भैया यहीं पर है नीचे, बाकी सब सामान सुमून लेके ऊपर गए, मतलब फोर्थ फ्लोर पर पहुँच गए हैं, ये मैसेज आ गया। तो अब खाना खा लिया है, डिनर कर लिया है, अब जल्दी से घर रूम में जाते हैं, मेमोरी कार्ड वगैरह खाली करते हैं और उसके बाद सोते हैं और फिर कल सुबह निकलते हैं। बाकी एक बैड न्यूज़ है भाई साहब, आधी से ज़्यादा चीज़ें बंद हो चुकी है क्योंकि हो गई है बहुत ही तगड़ी स्नोफॉल कसोल में। हाँ तो भाई आप लेट जाएंगे ना सर? हाँ जाएंगे तो 11-12 बजे तक। तो भाई अब हमें तेजपाल भाई बताने वाले कि क्या क्या बंद हो गया, क्या प्रोग्राम चेंज हो गया हमारा। हाँ अभी तो फिलहाल कुछ भी आइडिया नहीं है, हमारा ये है कि कल जाएंगे शायद मनीकरण गुरुद्वारा जाएंगे, पहले बना रहे थे हम तोश का। हाँ बट अब कह रहे हैं तोश भी बंद है, खीर गंगा भी बंद हो चुका है स्नोफॉल की वजह से, फिर अब बचता है हमारे पास मनाली है। मनाली हमने जाएंगे, हमने सोचा था कि ट्रैकिंग वगैरह करेंगे मस्त। हाँ। बट अभी जस्ट अभी पता चला, भैया ने बताया हमें, ये वाले भैया इनका नाम पीयूष है, इन्होंने बताया हमें कि ऊपर बंद हो चुका है। तो भाई भैया ने बताया कि तोश बंद हो चुका है, तो अब थोड़ा प्लान चेंज करना पड़ेगा। जो बेसिकली हमारा मेन मोटिव था आने का खीर गंगा ट्रैक, वो नहीं होगा बाकी अभी तो हम यहाँ पर दो हैं, बाकी 7 बंदे ऊपर हैं, उनके साथ बैठ के सभा करते हैं कि भाई कल का क्या प्रोग्राम बनता है। अभी तो मनाली का बनेगा। हाँ। मनाली फिर बोल रहे हैं अटल टनल, बाकी मनाली में भी बर्फ गिरी हुई है। मैं तो कह रहा था कि हाँ अटल टनल के बाद। चलिए अभी देखते सभा के बाद क्या कंक्लूजन निकलता है, जो भी निकलेगा आपको बता देंगे। तो अब ऊपर चलते हैं, आपको रूम दिखा देता हूँ कैसा रूम है। वैसे तो बहुत ही बढ़िया रूम है, बहुत ही सही रेट में। अच्छा और मेरे साथ क्या करोगे यार? तो गाइस हमने 4500 के 3 रूम करे हैं जिसमें हम 9 बंदे रुकेंगे, मतलब एक रूम में 3 बंदे। तो एक रूम में वैसे तो डबल बेड आई है, बाकी हमने बोला तो एक बेड एक्स्ट्रा लगा देंगे वो। तो गाइस अब एक काम करते हैं, जो आगे का सीन है उसको नेक्स्ट व्लॉग में कैरी ऑन करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा ब्लॉग का एंड करते हैं, तो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।